सितम गर ये गुर्बत क्या करे। बात सुने या मेरी बात सुने, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, समझ आई आपको बात? आप होते कौन है किसी को रिजेक्ट करने वाले? ये खुद ही आपकी नौकरी को रिजेक्ट करके जा रहे हैं। मेरे भाई तो सगे हैं ना, जिंदा है। सारी जिंदगी भाइयों से कुछ न लेने वाली अपने मरते शौहर के लिए तकाजा करेगी। मेरी दुआ है कि मुझे ये सब देखने से पहले ही मौत आ जाए। शेरोस, I am in love with you. सितम गर ये गुर्बत क्या करे। चल बेबी जा, बाय। अदालत का दरवाजा खटखटा, यहाँ ना आना इधर। अरे तुम यहाँ से चलो निकलो यहाँ से। रईसा अभी नहीं कर। अदालत जाएंगे। भाई 25 लाख का बड़े तुम्हारे पास पैसे हैं ना, जाओ दो। क्योंकि मोहब्बत में इंसान सब कुछ संभाल लेता है, रिश्ते भी परेशानियां भी। मेरी आधी बीमारी यही सोच के खत्म हो जाएगी कि आपका साथ देने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए कोई है। लेकिन बस ये एक बात मान लो, मेरी बात, शादी कर लो बेटे, शादी कर लो बेटे, शादी कर लो। शेरोज आ क्यों नहीं रहे हो? सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। क्या हुआ शेरोज? क्या कहा था तुमने? दैट यू आर इन लव विद मी। बोलो। Really, you are in love with me. हाँ शेरोस, I am in love with you. कितना? मोहब्बत की कोई मेजरमेंट तो नहीं होती। फिर भी कितना? हद से ज्यादा। जूनी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कितना कॉम्प्लिकेटेड इंसान हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्या चीज़ हैं? अच्छा सब इंतजार कर रहे हैं, डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, आ जाओ। जूनी शादी कर लो मुझसे। सूप पी लें। अच्छा ठीक है, पी लेता हूँ। आज मैं आपको अपने हाथों से सूप पिलाऊंगी। शुक्रिया। तुम्हारी अम्मा नहीं लौटी अभी तक? हाँ पता नहीं, नहीं मामा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम मामा। मैं आती हूँ।
सोफी। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ बाबा? नहीं नहीं ठीक है बस दर्द उठता है, खुद ब खुद चला जाता है, बस ठीक है। मैं मम्मा को देखती हूँ। हाँ तुम जाके देख। एक दरख्वास्त थी आपसे। बोलो। देखिए मैं मानता हूँ कि जैनब का रवैया बिल्कुल गैर मुनासिब था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम इस हकीकत से निगाह भी नहीं फेर सकते कि आजकल वो बहुत परेशान है फुरकान की सेहत के हवाले से। हाँ वो तो नजर ही आ रहा था, अपने शौहर की तबीयत की वजह से अपने सगे रिश्तों से बदलिहाजी से बात करना, कोई तहजीब कोई इज्जत नहीं थी उसकी नजरों में। और इसके साथ साथ अपने भाइयों को अदालत में घसीटने की धमकी दे जाना। देखिए ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं कि ज़ैनब ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा जज्बाती हो गई थी। थोड़ा सा? काफी ज्यादा। भाई साहब मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि फरकान की सेहत की वजह से जैनब अपने होशवास खो बैठी है, उसे पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रही है, किसके सामने बोल रही है, क्या बात कर रही है। खुल के बात करो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर हम उसे 25 लाख रुपए दे देते हैं तो मदद हो जाएगी उसकी, हो सकता है कि फरकान की जिंदगी भी बच जाए। बात पैसे की नहीं है सुराद, बात यह है कि जो मैं देख रहा हूं वो शायद तुम नहीं देख रहे, जो मैं महसूस कर रहा हूं वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। हमारी वो बहन जो कल तक बहुत खुददार थी हमारे लिए, 25 लाख के डिमांड के साथ हमें कोर्ट में घसीटने की धमकी भी देके गई है। आज 25 लाख मांग रही है, कल 50 मांगेगी, फिर 1 करोड़ मांगेगी, और फिर ये बात कहीं जाके रुकेगी करोड़ों रुपए की जायदाद में उसके हिस्से पर। अब बिलफर्ज मैं तुम्हारी ये बात मान भी लूं, उसे 25 लाख रुपए दे भी दें, तो क्या गारंटी है कि फुरकान की जान बच जाएगी? दे सकते हो कोई गारंटी? नहीं, मैं गारंटी किस तरह ले सकता हूँ? तो फिर चुप रहो और खामोशी से देखो। कारोबारी मामलात को तुम नहीं जानते, पहले ही कारोबार ठप पड़ा है, बीच में से यूं 25 लाख रुपए निकाल के अगर हम देने लगे तो कर लिया हमने कारोबार। मैं ये कह रहा था भाई साहब कि अगर हम 25 लाख की बजाय उसकी आधी रकम भी उसे दे देते तो शायद उसकी थोड़ी बहुत मदद हो सकती है ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम उसे 25 लाख देते हो या 50 लाख, अपने पास से दो, अपने शेयर्स बेचो और दे दो उसे, लेकिन तुम्हारे शेयर्स हैं कितने? लेकिन उसके बाद जैनब की तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। Thank you.
देख लिया वही हुआ। आ गया ना वो वक्त जिसके आने से पहले चीख चीख के मैं सबको होशियार कर रही थी लेकिन किसी ने एक सी नहीं सुनी मेरी। भाभी मैंने आपकी कब किसी बात से इनराज किया? आप तो इतनी अकलमंद है, मैं तो आपकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाती हूँ। बल्कि जो बात आपने कही थी ना, मुझे पता था कि ये होने वाला है और मैंने शुजात को होशियार भी किया था, लेकिन ये मर्द हमारी ना मानते हैं और ना सुनते हैं। नहीं सुनी तो होश उड़ गए, अब भुगतेंगे। जिस बहन पे इतना घमंड था, जिस बहन की मासूमियत की कसमें खाते थे ये दोनों भाई, अब वही बहन अदालत में केस करने की धमकी दे गई। अब आएगी इनकी अकल में मेरी बात? सही कह रही हैं बिल्कुल। भाभी ज़ैनब तो बहुत ही बेमुरव्वत निकली वैसे, मतलब कैसे भाइयों के सामने मुंह खोल दिया, लिहाज ही नहीं बड़े भाइयों का, और बोली भी तो 25 लाख रुपए, शर्म भी नहीं आई। कैसी शर्म, जानती नहीं हो ज़ैनब को? रग रग से वाकिफ हो ज़ैनब की चलाकियों से। भाभी मैं क्या कह रही थी, ज़ैनब को ना एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। पता नहीं भाई साहब ने 5 लाख रुपए देने का क्यों कह दिया। अरे रफाकत ने तो समझदारी दिखाई, जो सिर्फ कहा है दे थोड़ी रहे, और मैं रफाकत को नहीं जानती क्या? और अब ज़ैनब ने ये अदालत में केस करने वाली बात कह के समझो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। अब 5 लाख तो दूर, एक पाई नहीं मिलने वाली इसको। अच्छा करेंगे भाई साहब, रफाकत तो जो करेंगे सो करेंगे। तुम जरा शुजात को तो टाइट करो, बहन के आगे पीछे वो ही उछल रहा है। उसका तो बस नहीं चल रहा कि 25 के बजाय 50 लाख बहन की मुट्ठी पे रख दे। लगता है कुछ ज्यादा ही खल रहा है उसको अपना हिस्सा। दिमाग खराब हो गया शुजात का तो। तू खींच के रखो ना, ऐसा ना हो कि बहन की मोहब्बत में बैंक के सारे पैसे उसके नाम कर दे। जी मैं बात करूंगी, अभी तो भाई साहब ने बुलाया हुआ है ना, आ जाए तो मैं कान खींचती हूँ। एक रुपया भी बहन को दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भाभी शुजात तो सिर्फ पैसे देने के लिए उछल रहे हैं, आप ना जरा सुफियान पे नजर रखें, कहीं ऐसा ना हो अपने आप को ही दान कर दें फुप्पी जान की बेटी के पीछे, है ना। मैं जरा चाय लेकर आ। अपनी औलाद ना कटवाने के चक्कर में दूसरों को तो मौका मिलेगा बातें करने, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। मामा आपने फूफी जान और रचना के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जब मैंने तुम्हें समझा दिया था कि तुम अपनी फूफी जान और उसकी बेटी से दूर रहो, तो क्या जरूरत थी सबके सामने तमाशा लगाने की? तमाशा तो आप लोगों ने किया है, फूफी जान को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। अपनी हद में रहो सुफियान, ये मत भूलो कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। और आप लोग क्या कर रहे हैं, उनका भी इस घर पे उतना ही हक है जितना कि हमारा। दादा जान की प्रॉपर्टी है ये। हक? हक और हुकूक की बात मेरे सामने तो करती है बेटा, अपने बाप के सामने मत करना, वरना तुम्हारी जबान गुद्दी से खींच के बाहर निकाल देगा वो। तुम्हारी इन्हीं फजूल हरकतों की वजह से आज महनाज को मौका मिल गया। अभी बैठे भी मुझे यही पट्टियां पढ़ा रही थी कि मैं अपने बेटे को संभालूं। अब ये दिन दिखाना रह गया था मुझे क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा पुप्पी जान और रचना के साथ आप लोगों ने बुरा सलूक किया। पुप्पी जान, पुप्पी जान, पुप्पी जान, जानते क्या हो तुम अपनी पुप्पी जान और उसकी बेटी के बारे में, जो उनकी तरफदारी में इतने मरे जा रहे हो? उस ज़ैनब के लच्छन से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। अपनी बेटी के हुस्न के जाल में फंसा के तुम्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान कर रही है वो। तुम्हारे जरिए पैसे इठना चाहती है हमसे, और तुम इतने बेवकूफ हो कि उनका मोहरा बने हुए और अपने माँ बाप के सामने जबानदराजी कर रहे हो। किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रही है भूपी जान के बारे में? मैं जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रही हूँ वो दोनों तो इससे ज्यादा की लायक है, लेकिन तुम अपने जहन में ये बात अच्छी तरह से डाल लेना। अगर आइंदा उन दोनों की हिमायती बनके मेरे पास आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तुम तो इस सारे मामलात से दूर ही रहो ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझ गए हो? आए बड़े फूफी जान और उनकी बेटी की तरफदारी करने वाले। बाबा ने कुछ खाया? जी, सूप पिलाया है। ये खाने पीने का तो ख्याल करें ना, जरूरी है। कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी? गिरा आई खुद को भाइयों की नजरों में, मिल गया खुददारी को कुचलने का इनाम, बेइज्जत होकर आ गई। हाँ। अंदाजा ही नहीं था कि लोगों के दिल इतने भी स्याह हो सकते हैं। मैंने मना भी किया था लेकिन तुम ना मानी। हक छोड़ा था मैंने अपना हक मैंने छोड़ दिया था, फिर आप नहीं। वकील के पास जाऊंगी, मैं लूंगी अपना हक। अल्लाह का वास्ता मत करो ये सब ज़ैनब, मुझे सुकून से मर जाने दो। प्लीज। अरे क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? कह रही हूं ना मैं कराऊंगी आपका इलाज, मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा ना मैं जाऊंगी। खबर होती कि सारी जिंदगी खुददारी में गुजार कर ये जिल्लत होगी तो मैं लोगों के आगे हाथ फैलाना होगा तो इससे पहले मैं जहर ही ले लेता। बस कर देना, बस कर दे, बस कर दे। हम इस हिम्मत नहीं हार सकते, मुझे कुछ भी करना होगा मैं करूंगी, मैं आपको इस तरह हिम्मत नहीं हारने दूंगी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। जी के ना जी सकूं, मर के ना मर सकूं, दोनों ये झूठी है पनाहें, तन्हा तुझे, तन्हा मैं जीऊं, गुम है राह में कांटों की छांव में सितम। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे बाबा को कैंसर है? वो तो आज पप्पो जी, इसी गलत फहमी में आज मेरी खुददार माँ अपनों के आगे झोली फैलाने चली गई थी कि शायद उनके अपने उन्हें खैरात में वो मोहब्बत उनकी झोली में डाल दें। लेकिन अपनों ने क्या किया, उन्हें धुतकारा, उन्हें जलील किया और वहां से निकाल दिया। लेकिन उष्णा वो मैं क्या, जब आपके घर वालों ने मेरी माँ की बेइज्जती करके उन्हें जलील करके उन्हें रुस्वा करके उस घर से निकाल दिया तो आपने क्या जले पर नमक छिड़कने के लिए कॉल की है? नहीं उष्णा, वो तो मैं सबके रवैये की माफी। मुझे आपकी माफी में कोई दिलचस्पी नहीं। जब आपके घर वाले मेरी माँ की बेइज्जती करके उन्हें धक्के मारकर उस घर से निकाल रहे थे तब आप कहाँ थे? मेरी मामा की जो बेइज्जती हुई, जो उनकी रुसवाई हुई, क्या उस बात का जाला कर सकते हैं आप? क्या मेरी मम्मा को उनका हक दिला सकते हैं आप? क्या मेरे बाबा की जान बचा सकते हैं आप? नहीं। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना तो आज के बाद मुझे कॉल भी मत कीजिए। खुद को दिए सजा, फिर तुझसे क्या गिला, खुद
खुद ही सौंपी मैंने ये जुदाई टुकड़े टुकड़े जिंदगी अपने हाथों से हुई गुम है राह में कांटों की छांव में सितम गर ये गुर्बत क्या कर तुम्हें कभी भी अगर मेरी जरूरत पड़े तो किसी भी लम्हे मुझे पुकारने में ताखीर मत करना तुम्हारी पहली पुकार पे तुम मुझे अपने रूबरू पाओगी ये भी क्या दर्द है जिंदगी जर्द है सितम गर ये कुर्बत क्या करें कौन से 25 लाख बीबी हाँ कैसे 25 लाख चलो निकलो यहाँ से अदालत का दरवाजा खटखटाओ यहाँ ना आना इधर हटो तुम यहाँ से चलो निकलो यहाँ से आप ठीक हैं आपको कुछ चाहिए कुछ चाहिए आपको फुरकान 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 क्या हुआ क्या हुआ उष्णा उष्णा जल्दी आओ जल्दी आओ देखो तुम्हारे बाबा को क्या हुआ है फुरकान क्या हुआ है आपको देखो बाबा क्या हुआ है बाबा फुरकान शुक्र करें मावी पैसे नहीं दिए थे मर गया ना ठीक कह रही हूँ अब तो चला गया पैसे भी चले जाते हैं सुरत क्या हाँ कफन दफन का क्या करना है क्या करना है इसे क्या मतलब है जो करना है अम्मी ने करना है या कोई और है नजर आ रहा है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है फिर शौहर की मैयत पर ये एहसान करने की उनके जीते जी तो आपकी तिजोरियों के मुंह बंद रहे अब ये इनायत क्यों और ये मेहरबानी करने से पहले मुझसे तो पूछ ले कि मैं आपका ये एहसान लूंगी भी कि नहीं भाई क्या तमाशा है ये अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है हमारी इज्जत का तो कर लो लोग बैठे हैं लोगों की वजह से आपको इस घर में घुसने दिया है मैयत को देखने दिया है वरना कातिलों को इतनी छूट कौन देता है क्या कहा तुमने बीच सहन में अपने मियाँ की मैयत रख के हम पे किस बात की भड़ास निकाल रही हो हाँ अगर हमारा आना इतना खल रहा है तुम्हें तो कर लेना था ना चार कंधों का इंतजाम हमें इतला दे के क्यों बुलवाया है पहले हमें इतला दे के बुलवाओ फिर भरे मजमे में हम सबको जलील करो वाह ज़ैनब वाह भाई जान प्लीज नहीं करूंगी बस और हम तुम्हारे मियाँ के कातिल कैसे हो गए मियाँ की मैयत पर पागलपन में ये भी भूल गई हो कि तुम्हारे शौहर को कैंसर था
वो भी लास्ट स्टेज का। डॉक्टर तक ने जवाब दे दिया था और तुम सबके सामने हमें बातें सुना रही हो। जो भाई तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं उन्हें कातिल कह रही हो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें शर्म? अरे भाभी इनको शर्म कहाँ से आएगी? जिन भाइयों ने सारी जिंदगी हथेली का छाला बना के रखा उन्हीं को बातें सुना रही हैं। इतना भी एहसास नहीं है कि अभी इनके शौहर की मैयत सहन में ही पड़ी है। आप लोगों की बेइज्जती की वजह से मेरा शौहर मरा है। शायद वो दिन और जी लेता, मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका, वो मर गया। मंगाते आप मामा, आप सब सुन ले, चले यहाँ से। कह रही थी ना मैं आप सबको निकलने से पहले कि हम मैयत में जा तो रहे हैं लेकिन अपनी इज्जतों का कचरा करने के लिए तैयार हो जाना। देख लो यही कर रही है वो। मामा आप चले यहाँ से। ज़ैनब ये वक्त दिले शिकवों का नहीं है, संभालो खुद को। आप अपनी जबान संभालिए, अपने मुंह संभालिए, कोई ऐसी बात मत कीजिएगा कि मुझे अपनी जबान खोलनी पड़े। अपने पैसे तिजोरी में बंद कर ले जो आप यहाँ खर्च करने के लिए लाए थे। नहीं चाहिए भीख आपकी, कोई जरूरत नहीं हमें। लेके जाओ ज़ैनब को यहाँ से। इसके कफन के लिए भीख नहीं चाहिए आप, चले जाए यहाँ से। क्या जरूरत थी हमदर्दी दिखाने की? करवा ली ना अपनी बेइज्जती आपने। सोच भी नहीं सकता था मैं, दिल चाह रहा है अभी इसी वक्त घर वापस चला जाऊं मैं। इतना बोले अभी हम नहीं जा सकते, लोगों को मौका मिलेगा बातें बनाने का। ये बड़ा भाई बाप की जगह होता है, जनाजा उठाए बगैर चला गया। अभी तो आप खामोश तमाशाई बन के सब कुछ देखते रहे, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे आप। कहा है ना ज़ैनब ने कि कफन दफन वो खुद करवा लेगी, तो करवाने दे, भीख मांग के करवाए, कहीं से भी करवाए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जितना तमाशा देखना था देख लिया। नहीं ज़बान तराज़ी करेगी मेरे साथ वो भी मैयत पे? सोच नहीं सकता था मैं। मैं तो आपको हमेशा कहती थी आप ही थे जिसकी आंखों पे बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। उतर गई ना आज वो पट्टी भी, आज उतर ही गई। आपको पता है ना चलते ही ना पता नहीं क्या गंदी टाइप की चीजों से एलर्जी होती है। हाँ तो बेटा मैं कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ बैठी हुई हूँ? जनाजा उठेगा तभी जा सकते हैं ना। तो आप लोग मत जाएं ना, आप लोग बैठे रहें। सुफियान और जैफा जा रहे हैं तो मुझे ले जाए साथ। तुम्हें लगता है तुम्हें सुफियान छोड़ेगा? हालत तो देखो उसकी, देखो तो जरा कैसे सब लोगों की खिदमतें करता फिर रहा है। उसके अब्बा की और अम्मा की इतनी बेइज्जती हुई है, देखा था ज़ैनब कैसे चीख रही थी, मगर उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे लगा पड़ा है जैसे उसके कोई सगा मर गया है। बेहोश हो जाऊंगी मैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, बैठ रहो, बेहोश हो जाऊंगी। ज़ैनब बेटा फुरकान को रुखसत करने का वक्त आ गया है। नहीं आप लोग मेरे बाबा को कहीं नहीं लेकर जाएंगे। मम्मा मम्मा इन्हें रोके ना, ये लोग बाबा को लेकर जाने के लिए आए हैं। चलो नहीं आप लोग मेरे बाबा को कल मैं शहादत अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह बाबा अशहद अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे बाबा को लेकर जा रहे हैं मम्मा। उष्णा छोड़ो मुझे बाबा। अशहद उष्णा उष्णा मेरे बाबा को मत लेकर जाओ जा रहे हो? घर जाने का रास्ता ये नहीं है, वो है। चलो नहीं वो सुना है कि उष्णा बेहोश हो गई है। हाँ तो एक नजर चल के उसको देख लेते हैं, कहीं ज्यादा तबीयत खराब ना हो जाए। अपने बाबा से कहो घर चलने की तैयारी करें, देर हो रही है। चलो हम लोग कैसे जा सकते हैं, इतने सारे मेहमान बैठे हुए। क्यों तुमने ठेका लिया हुआ है सबका? बहुत लोग हैं यहाँ पे, कर लेंगे। और वैसे भी मेरा मुंह मत खुलवाओ। हमारे अलावा फूफो का है कौन?
हम लोग चले जाएंगे तो ये सब कौन करेगा? तुम्हें इन सारी चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैनब ने कफन दफन मोहल्ले वालों से करवा लिया है ना, बाकी के सारे काम भी वो उन्हीं से करवा लेगी। तुम चलने की करो, देर हो रही है और वैसे भी सदफ की तबीयत खराब हो रही है। चलो। अचानक सदफ को क्या हो गया? अच्छा आप लोग जाएं, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तुम चल रहे हो या तुम्हारे बाप को बुलाऊं मैं? हाँ चलो ठीक है, तुम यहीं रुको, अब तुम्हारा बाप ही तुमसे बात करेगा। रफाकत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत देर कर दी बेटे आज आपने। मैं आज अकेला नहीं आया, सुनेशा मेरे साथ आइए, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कौन है ये बच्ची? ये वही जिसके लिए आपने मुझे मजबूर किया था। सुनेशा ये मेरी अम्मी है, मेरी जन्नत। अरे अम्मी ये जनेशा में क्लास फेलो, बताया था ना आपको उसके बारे में। आंटी को तो देखते ही पहचान लिया था मैंने। आंटी आप बिल्कुल एज इट इज हैं जैसे मैंने आपके बारे में सुना है। थैंक यू बेटे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आओ ना यहाँ मेरे साथ बैठो। थैंक यू। शहरोज जो मैं समझ रही हूँ वैसा ही है। जैसा आप समझ रही हैं बिल्कुल वैसे ही है। मैं इसको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप इसको देखें, इससे बात करें और फिर मुझे बताएं कि आपको अपने बेटे की पसंद कैसी लगी है। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। थैंक यू आंटी। एक्सक्यूज मी, घर में और कौन कौन है बेटे? आंटी घर में बाबा और मैं। एक्चुअली मम्मी की डेथ हो गई थी तो केयर अलोन ना। दैट्स सैड, आई एम सो सॉरी। मेरी मम्मी भी बिल्कुल आपकी जैसी थी, बहुत प्यार करती थी हमें। आपने अब से मुझे भी अपनी अम्मी समझना है, ठीक है? शहरोज के बगैर भी आप इस घर में कभी भी आ सकती हो, सो यू नो कीप कमिंग। शेरोज आपसे बहुत प्यार करते हैं। नो मुझे शायद बताया था शेरोज ने आपके बारे में, मगर तब मुझे समझ नहीं आया था। आई एम सो हैप्पी ब्रॉट यू होम। थैंक यू आंटी। आप वो क्या बना, चाय कॉफी या कुछ ठंडा? आपको अगर कोई काम की जरूरत हो कुछ भी आप प्लीज बता दें। मैं तो तुम्हारी एहसान मंद हूं, तुमने तो सगे होने का हक निभाया है, वरना आपने तो सर से साया तक छीन लेते। वो आप कैसी बातें कर रहे हैं, अपनों के लिए जो किया जाए वह एहसान तो नहीं होता। तुम लाख हमसे बज़न रहो जैनब, लेकिन हमारा सगा खून हो, आज भी हमारे दिल में तुम दोनों के लिए बहुत जगह है। और काल तो चला गया, अब तुम दोनों को हमारे साथ चलकर हमारे साथ रहना चाहिए। यहां अकेले इस तरह
किस तरह रहोगी? नहीं, हम यही रहेंगे। फरकान चला गया है, लेकिन इस घर की दरो दीवार में उसकी बातें, उसकी यादें बसती हैं। यही तो सवाल पूछ रहा हूं मैं तुमसे कि तुम दोनों यहां पे अकेले किस तरह रहोगे? घर के अंदर मर्द का होना जरूरी होता है, हैं? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो और वहां चलकर कम से कम अपनी इद्दत के दिन तो सुकून से गुजार लो। आई थिंक चाचा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप प्लीज चलें, हमारे घर हमारे साथ रहें। जिस घर से खैरात में इलाज के पैसे नहीं मिल सके, उधर आप दोनों को क्या जगह मिलेगी, क्या सुकून मिलेगा भाई? सहनब, सहनब, ये वक्त बीती बातों को दोहराने का नहीं है। क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? बस कर तो। हमें हमारे हाल पर रहने दे भाई, मैं मजीद तलखी नहीं चाहती। सहनब, मैं अभी जा रहा हूँ। कोशिश करना कि जो बात मैंने तुमसे कही है उस पे ठंडे दिल से जरा गौर करो, ठीक है ना? मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारी कैफियत। इस वक्त तुम्हें बहुत सुकून की, आराम की जरूरत है। पूछना बेटा, अपना और जैनब का ढेर सारा ख्याल रखना। अगर कोई अल्फाज तुम्हारे दुखों का अजाला करते तो मैं कहीं से भी वो अल्फाज लाता और हमेशा के लिए तुम्हारे दुखों को खत्म कर देता। मैं जानता हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी जानता हूं कि तुम बहुत बहादुर हो। अंकल को तो हम वापस नहीं ला सकते, खुदा ने उनकी इतनी जिंदगी ली, उस बारे में तुम और मैं कुछ कर भी नहीं सकते। तुम्हें अक्ल के बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी उसना। लेकिन हाँ, तुम्हें कभी भी कहीं भी किसी भी लम्हे अगर मेरी जरूरत पड़े तो किसी भी लम्हे मुझे पुकारने में ताखीर मत करना। तुम्हारी पहली पुकार पे तुम मुझे अपने रूबरू पाओगे। ये भी क्या दर्द है, जिंदगी जर्द है, हो गई हो जैसे ये पराई, खुद को दी ये सजा, फिर तुझसे क्या गिला, खुद ही सौंपी मैंने ये जुदाई, टुकड़े टुकड़े जिंदगी।